पिछली क्लास में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि पीओएसी पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो उस पर बेस्ड एक ये वाला क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपके पास 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी है, ठीक। तो सबसे पहले तो जो जो दे रखा है वो लिख लो कि आपके पास 1 ग्राम क्या है, ड्राई ग्रीन एल्गी है, ठीक। अब वो एब्जॉर्ब करती है इतने मोल्स ऑफ CO2 पर आवर, ठीक है, बाय फोटोसिंथेसिस। इफ द फिक्स कार्बन एटम आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया कि 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी ने जितने भी CO2 एब्जॉर्ब की है ना, और उसके CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद उस ड्राई ग्रीन एल्गी में जितने भी कार्बन आए वो सारे के सारे स्टार्च की फॉर्म में उसमें स्टोर हो गए। यानी कि मुझे उसने हिंट दे दिया कि मुझे कार्बन पर POAC लगाना है, सही है। तो आपको बताना है कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एल्गी टू डबल इट्स ओन वेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसमें CO2 एब्जॉर्ब कराई, वो स्टार्च की फॉर्म में इसमें एब्जॉर्ब हो गई, राइट। और मैंने मान लिया कि इसका जो वेट था वो 2 ग्राम हो गया होगा, ठीक ठीक है। तो अगर इसका वेट 2 ग्राम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है 1 ग्राम तो ये ड्राई ग्रीन एल्गी पहले से थी मेरे पास, और अब इसका वेट जो है वो 2 ग्राम हो गया, इसका मतलब पक्की बात है 1 ग्राम क्या स्टोर हुआ होगा, स्टार्च। तो मुझे वेट ऑफ स्टार्च पता चल गया यहां से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक। तो ये वाली बात तो मुझे पता चल गई कि स्टार्च का वेट कितना है, और स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे यहां पर दे रखा है। अब मैं लगाता हूं CO2 पर POAC, तो मुझे पता है मैंने जितनी भी CO2 ली वो सारी की सारी स्टोर हो गई स्टार्च की फॉर्म में, C6H12O5 होल N, ठीक। तो CO2 में कार्बन कितने हैं, 1, और इनटू मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, यहां पर कार्बन कितने हैं, 6 नहीं है, 6 × N है, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या मुझे नहीं पता, ये एक पॉलीमर होता है स्टार्च, ठीक। बायो वाले तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बायो में। तो इसका कितना है, मेरे पास कार्बन कितने हैं, 6N कार्बन है इनटू मोल्स ऑफ किसके, C6H12O5 होल N, इसके हो गए मेरे पास मोल्स, ठीक है, ओके। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, हमें मोल्स ऑफ CO2 निकालने हैं, ये हमें पता नहीं है, राइट। तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालूंगा मैं, 6N × मोल्स ऑफ C6H12O5 होल N, इसके मोल्स कैसे निकालूं, इसका वेट, वेट कितना है, ये रहा 1 ग्राम, और इसका मोलर वेट कितना होगा, मोलर वेट निकालते हैं, इसमें 12 कार्बन है तो 12 × 6, 12 ही हाइड्रोजन है प्लस 12, और 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 5 = 80, तो 12 × 6 = 72 + 12 + 80, ये कितना हो गया, 4 × 8 = 16, 164, राइट। बट 164 तो एक C6H12O5 का हुआ, अगर दो होते तो 164 × 2, तीन होते तो 164 × 3, 10 होते तो 164 × 10, n है तो 164 × n, दैट इज 164 n। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 164 n, n से n कैंसिल, तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 6/164, राइट। 3 से काट लो, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 82, 3/82, सही है। एक बार ये सही कैलकुलेट किया है ना हमने, चेक कर लेना, 16 सही है, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गए, 3/82 आ गए मेरे पास इसके मोल्स, ठीक है। अब मुझसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो मुझसे कह रहा है कि 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी एब्जॉर्ब करती है इतने मोल्स CO2 के 1 घंटे में, राइट। और मेरे पास मोल्स कितने हैं, 3/82, तो क्या करूंगा, 4.7 × 10⁻³ मोल एब्जॉर्ब करती है 1 घंटे में, तो 1 मोल एब्जॉर्ब करेगी 1/4.7 × 10⁻³ घंटे में, तो 3/82 कितने टाइम में करेगी, 1/4.7 × 10⁻³ × 3/82 आवर,
इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने वो वाला कंसेप्ट लगाया। याद है मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई और मेटल का वेट पता था और मेटल ऑक्साइड का वेट पता था, तो आप वहां से ऑक्सीजन का वेट निकाल लेते थे कि भाई जितना मेटल रहा होगा वो पूरा का पूरा मेटल ऑक्साइड में चला गया होगा, इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का जो वेट है उसमें से मेटल का वेट घटा दो तो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। सेम मैंने यहां पर किया, 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी मुझे पता थी और उसने कुछ कुछ किया अपने अंदर और उसका मास हो गया डबल, उसका मेरे से टाइम पूछा है। तो जब 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी का वेट डबल हो जाएगा तो उसमें 1 ग्राम तो एल्गी ही रहेगी ना, बाकी बचा हुआ क्या हुआ, जो उसमें आया वो कौन है, स्टार्च। आई सीओ टू थी बट फोटोसिंथेसिस के बाद वो स्टार्च बन गई थी पूरी की पूरी, तो इसका मतलब सारा का सारा क्या है, 1 ग्राम स्टार्च रहा होगा। फिर मैंने स्टार्च और सीओ टू को मिलाकर उस पर क्या लगा दी, पीओएसी। बढ़िया क्वेश्चन था, जेई में आ रखा था, ठीक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और अच्छा खासा कंसेप्ट इसमें लगवाया था। ठीक, तो ये हमारे पीओएसी की बात थी। अब जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा स्टोइकोमेट्री में हम उस पर जेई के आए हुए सवाल करेंगे, तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 25 फरवरी 2021 का जेई मेन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट रहेंगे, अटेम्प्ट करो। हो सकता है आप लोगों से 2 से 3 मिनट में आंसर ना निकले, है ना, और मैं उससे पहले सॉल्यूशन कराना शुरू कर दूं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अभी स्पीड पर नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हमारी स्पीड स्लो है हम कैसे कर पाएंगे, एग्जाम 2 साल बाद है, अभी तो आप क्या हो, अभी तो बस आपने जस्ट प्रिपरेशन शुरू करी है, अभी स्पीड नहीं आएगी, अभी हमें स्पीड पर काम भी नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अभी हमें काम किस पर करना है, क्या हम अप्रोच लगा पा रहे हैं, तो जो मुझे 3 मिनट लगे थे उसमें जो मैंने अप्रोच लगाई थी तो जब सर ने सॉल्व किया क्या उसी अप्रोच से किया, या फिर जो मैं अप्रोच लगा रहा था हो सकता है वो डिफरेंट हो, जो आपने लगाई वो डिफरेंट हो, जब मैंने आंसर निकाल दिया उसके बाद जब घर पर आप उस क्वेश्चन को फिर से देखोगे तो चेक करना क्या आपकी अप्रोच से भी आंसर आ रहा था, और फिर अगर आपने जो अप्रोच लगाई हो सकता है वो सरल हो, मेरी वाली टफ हो सकता है मेरी वाली सरल हो आपकी वाली टफ हो, तो फिर आप वहां पर थोड़ा सा एग्जामिनेशन करना अपना कि भाई किसकी सरल थी, किसको लगा सकते हैं, एग्जाम में कौन सी बेनिफिशियल होगी, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। आई होप आपको रिएक्शन तो पता ही होगी, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी थी, अगर नहीं पता तो देख लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी हीट किया जाता है, याद रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो ब्रेक होकर CO2 प्लस H2O देता है, ये मैंने आपको बता दिया अगर आपको नहीं पता थी, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो अगर मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा तो वो CO2 प्लस H2O देगा।
चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सी एक्स एक्स वाई सी एक्स एच वाई ओ जेड का वेट 1.80, राइट। सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख लो, ये दे रखा है मेरे को 1.80 ग्राम और CO2 का वेट है 2.64 ग्राम और क्या दे रखा है H2O का वेट दे रखा है 1.08 ग्राम, ठीक है। ये तीन चीजें मेरे को दे रखी हैं, मुझे क्या निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ओरिजिनल कंपाउंड, ठीक है। तो ओरिजिनल कंपाउंड में मैं ऑक्सीजन की परसेंटेज तो तब निकाल सकता हूं, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकाल पाऊंगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ टोटल कंपाउंड इंटू 100, परसेंटेज हम निकालना सीख चुके हैं। तो मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए, सबसे पहले वेट ऑफ कंपाउंड तो पता है 1.80 ग्राम, अब सारा खेल है वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालने का, ठीक है। कैसे निकाले, एक बात देखो, अगर आप ध्यान से प्रोडक्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा कार्बन रिएक्टेंट से उठकर केवल एक ही प्रोडक्ट में गया है CO2 में, सही है, और सारा का सारा हाइड्रोजन उठकर एक ही प्रोडक्ट में गया, दैट इज H2O। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा है जो CO2 में भी है और H2O में भी है, राइट। तो मैं कार्बन और हाइड्रोजन पर तो POAC लगा सकता हूं, बस वही करता हूं मैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये मुझे इसका वेट दे रखा है ना, तो 2.64 अपॉन CO2 का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 44, ये मैंने क्या निकाल दिए CO2 के मोल्स, ठीक है। अच्छा, अगर CO2 के मोल्स आ गए तो CO2 में, अब जैसे एक बात समझो, एक मोल CO2 में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एक मॉलिक्यूल CO2 का है, मैंने आपसे पूछा एक मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन कितना है, आप बोलोगे एक, ऑक्सीजन कितने हैं, आप बोलोगे दो। मैंने आपसे पूछा दो मोल में बताओ, आप बोलोगे C2 है ऑक्सीजन 4 है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने आपसे बोला कि इतने मोल मेरे पास CO2 है तो कार्बन कितने होंगे, इतने ही मोल होंगे, सही बात है। और सारे के सारे कार्बन किधर से आए हैं, रिएक्टेंट से, इसका मतलब रिएक्टेंट में भी कितने कार्बन होंगे, इतने ही मोल होंगे, लग गई POAC। तो अगर मोल्स ऑफ कार्बन इतने हैं तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा, आपने बोला (×12), ठीक। तो ये क्या आ गया मेरे पास, मास ऑफ कार्बन इन वेयर रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसी हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन के 1.08 ग्राम, मतलब ये H2O का मास इतना है और इसका मोलर मास कितना होगा 18, ठीक। तो ये क्या हो गए, मोल्स ऑफ H2O हो गए, लेकिन H2O में कितने हाइड्रोजन है, दो, तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने हुए (×2), और सारे के सारे हाइड्रोजन किधर से आ रहे हैं, सर रिएक्टेंट में से आ रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्टेंट में भी मोल्स कितने हो गए, इतने ही हो गए। तो मास कितना हो गया, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये हो गया मास, राइट। तो आपको अब क्या क्या पता चल गया, आपको कार्बन का मास पता चल गया, आपको हाइड्रोजन का मास पता चल गया, किसमें, रिएक्टेंट में, और आपको एक चीज पहले से पता है क्या, पूरे कंपाउंड का मास, और कंपाउंड में है क्या क्या, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको कार्बन का मास पता है, आपको हाइड्रोजन का मास पता है, आपको कंपाउंड का मास पता है, तो कंपाउंड के मास में से अगर कार्बन और हाइड्रोजन का मास घटा दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, सर ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का मास, तो 1.80 माइनस 12 इंटू 2.64 अपॉन 44 माइनस 1.08 अपॉन 18 इंटू 2, राइट। तो 2 6 12 22 2 3 6 11, राइट, 11 से इसको काटो तो ये तो 1.80 है माइनस 3 इंटू 11 टू जा 22 और 11 फोर जा 44, राइट, माइनस ये हो गया 2 9 जा 18 और इसको काटेंगे तो 9 1 जा 9 2 जा 18। देखो कैलकुलेशन भी बहुत सरल दे रखी है उसने, डायरेक्ट कट रहा है 1.80 माइनस 24 3 जा 72 तो 0.72 माइनस 0.12 तो ये हो गया 7484, 1.80 माइनस 0.84, सही है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 80 और 4 गए 0.96 ग्राम। मैं पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको JEE के क्वेश्चन की, ताकि आपको ये ना फील हो कि सर हम कैलकुलेशन कैसे करते, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है और कैलकुलेशन अटक गई
तो क्या घंटा आता है आपको क्वेश्चन, आप नहीं कर पाओगे उसको अटेम्प्ट, ठीक है। आपको एग्जाम में आंसर तक जाना पड़ेगा, क्वेश्चन आने से कुछ नहीं होता, उतने टाइम में क्या आपसे सॉल्व हो गया ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में मुश्किल से 3 मिनट मिलते हैं आपको, 3 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है, अदरवाइज आपका वो क्वेश्चन गया, ठीक। और फिजिकल के नो डाउट क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जाते हैं, आपको हो सकता है कभी कभी 4 मिनट लग जाए, 4.5 मिनट लग जाए, लेकिन आपका वो टाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचा लेगी। कैसे? जब हम इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा। इतनी ट्रिक सिखाऊंगा कि आपको 15 सेकंड के अंदर आंसर मिलेगा, ठीक। तो ये तो आ गया आपका क्या 0.96 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। तो अब मुझे क्या निकालना था? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा? 0.96 अपॉन 1.80 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इसको भी सॉल्व कर लें, चलो कर लेते हैं। 0.96 अपॉन 1.8 इंटू 100 ये है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, यहाँ से हटाओ, या 180 कर दो, ठीक है। अब इसको काट लो तो ये कट जाएगा किससे? 3 से। 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18, 60। फिर से ये किससे कटेगा? 4 से। 4 8 32, 4 1 4, 4 5 20, सही है। ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, और ये हो गया 20, और ये हो गया आपका 160 अपॉन 3, 3 5 15, 10 बचे, 0.33%, 53.33% आ गया। ऑप्शन ही नहीं है, अच्छा यहाँ पर 3 होगा, मैंने गलत लिख दिया ऑप्शन, यहाँ पर 53.33, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था आज का जेई का, 25 फरवरी 2021 में आया होगा, पीओएसी लगाकर सॉल्व किया हमने इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 28 जुलाई 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, वैसा ही सेम क्वेश्चन है आपके पास। तो जैसा 21 में आया वैसा ही सेम क्वेश्चन 2022 में रिपीट हो गया, बस अंतर इतना है कि जो 21 में आया था वो एमसीक्यू था, जो 22 में आया वो इंटीजर टाइप था, यानी कि आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल कर वहां पर फिल करना था, आपके पास ऑप्शन नहीं थे तो आप अप्रोक्स में कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पता है कैसे? तो एक तो मैंने आपको पीओएसी वाला तरीका बता दिया, चलो मैं इस वाले क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक। मैं आपको सारे तरीके सिखाना चाहता हूँ ताकि आपका दिमाग खुले कि हम क्वेश्चन में कैसे कैसे सोच सकते थे, ठीक है। तो देखो मुझसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकलवाइए ऑक्सीजन की, है ना। मुझे एक बात तो कन्फर्म है कि परसेंटेज टोटल मिलाकर 100 होती है, तो टोटल तो 100% ही रही होगी, अच्छी बात है। अगर मैं कैसे भी करके कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लूं और उसको 100 में से माइनस कर दूं तो मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी, हाँ मिल तो जाएगी। अच्छा कार्बन की परसेंटेज या हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालूंगा? तो हाइड्रोजन कहां पर प्रेजेंट है? आप बोलोगे सर H2O में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं H2O में H2 का वेट अपॉन वेट ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लूं और इनटू 100 कर दूं तो क्या मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल जाएगी? आपको क्वेश्चन होगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरीका आपको समझ में आ गया पीओएसी वाला, ठीक, आपको वही लगाना है। मैं तो आपको ये दूसरा तरीका लगा के सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छा। थोड़ा सा टफ माना जाता है ये तरीका और जनरली लोग इसी को कराते हैं, वो पीओएसी वाला ना बहुत कम लोगों को पता होता है, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। वो किताबों में भी जनरली मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी ना तो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होगा, तो उससे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं।
तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अब जो आपको जनरली किताबों में लिखा हुआ मिल सकता है, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो आप अपने पुराने वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि H2O में H2 कितना है। आपने बोला 2 ग्राम, ठीक है, और पानी का वेट कितना है 18, तो ये क्या आ गए, मोल्स आ गए, ठीक, किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है। ऊपर आपने रख दिया वेट ऑफ वाटर, दैट इज 0.4428 ग्राम, और नीचे आपने रख दिया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज 0.492। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, ये आपके पास निकल कर आ गया आपका वेट, सॉरी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। मैंने परसेंटेज ऑफ वाटर नहीं निकाला, याद रखना। अगर मैं केवल परसेंटेज ऑफ वाटर निकालता किसी कंपाउंड में, तो मैं वाटर का मास अपॉन क्या करता, कंपाउंड का मास। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और मेरे पास हाइड्रोजन का मास डायरेक्टली नहीं है, मुझे हाइड्रोजन का मास निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का मास कैसे निकालूंगा, मास ऑफ कंपाउंड और उसमें हाइड्रोजन के मोल्स, राइट। तो पूरे कंपाउंड का मास, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 18, राइट, और कंपाउंड का मास कितना है पानी का, 0.4428। तो ये मेरे पास क्या आ गए, पानी के मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया मेरे पास पानी के मोल्स, सही है। अब जितने पानी के मोल होंगे उसमें उसके दुगने हाइड्रोजन के मोल होंगे, क्लियर। जितने पानी के मोल होंगे उतने ही उसमें दुगने हाइड्रोजन के मोल होंगे, तो मैंने कर दिया इंटू टू, ये क्या आ गए, हाइड्रोजन के मोल्स। बट मुझे ऊपर क्या रखना था, हाइड्रोजन का वेट, तो इंटू वन, ये हो गया हाइड्रोजन का वेट। यानी कि इतनी पूरी जो मैंने कथा पढ़ी आपके सामने, इसमें मैंने कुछ नहीं निकाला, केवल हाइड्रोजन का वेट निकाला। फिर से समझाता हूं एक बार, आपको पता था पानी का वेट, मॉलिक्यूलर वेट 0.4428, आपने डिवाइड कर दिया पानी के मॉलिक्यूलर मास से, ये आ गए पानी के मोल्स। अगर पानी का इतना मोल है तो हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, सर एक मोल पानी में हाइड्रोजन के 2 मोल प्रेजेंट हैं, तो इतने मोल पानी में हाइड्रोजन के इंटू 2 मोल प्रेजेंट होंगे, ये हो गए हाइड्रोजन के मोल्स। आपको क्या बताना है, हाइड्रोजन का मास, तो मास कैसे निकालता हूं, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम, ये आ गए किसके मास, हाइड्रोजन का मास, ठीक है। मुझे क्या निकालनी थी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसमें, अपने कंपाउंड में, ये मेरा हाइड्रोजन का मास है, मेरे पास कंपाउंड का मास है 0.492 × 100, ये क्या आ गई आपके पास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा तरीका, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मेरे साथ निकालो। सबसे पहले वेट ऑफ CO2 कितना है, 0.7938, ये है वेट ऑफ CO2। सबसे पहले निकालूंगा मोल्स ऑफ CO2, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड, ठीक है, ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ CO2, जितने मोल CO2 के हैं उतने ही मोल कार्बन के हैं, क्यों, क्योंकि एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन है, तो इंटू वन, ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ कार्बन, बट मुझे क्या रखना था, मास ऑफ कार्बन, तो इंटू 12, क्यों, मास ऑफ कार्बन रखना था, डिवाइडेड बाई, तो ये तो क्या आ गया, मास ऑफ कार्बन, बट मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज कैसे निकालता हूं, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड, कंपाउंड का मास कितना है 0.492 और इंटू 100, तो ये आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन। ऊपर आ गई आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, वो आप खुद करना, मैंने एक में दिखा दी, ये आएगा जब सॉल्व करोगे 10, और जब इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 44। कैलकुलेशन जरूर सॉल्व करके देख लेना, जेई का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, ठीक। ये 10 आ गई, ये 44 आ गई, टोटल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए थी, 100, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, 100 − 44 + 10, तो 100 में से 54 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 46%। ये थी आपकी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया,
चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, 2016 का क्वेश्चन। अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन में एक ना ट्विस्ट है, वो क्वेश्चन के आंसर निकालने के बाद बताऊंगा आपको। तो मुझे उम्मीद है आपने रिएक्शन तो अभी तक सही लिख ली होगी। रिएक्शन कैसे लिखोगे? एक हाइड्रोकार्बन है, CXHY मान लेता हूँ, उसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ कराई होगी और क्या बना दिया होगा? CO2 + H2। रिएक्शन को आपने बैलेंस कर लिया होगा, तो यहाँ पर एक्स कार्बन है, यहाँ एक्स लगा दो, यहाँ पर वाई कार्बन है तो यहाँ पर Y/2 लगाना पड़ेगा, तभी वाई होंगे क्योंकि दो ऑलरेडी है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो यहां पर हो जाएगा X + Y/4। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। और अब इस बैलेंस रिएक्शन को आप ऐसे ही याद कर लो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी बैलेंस करोगे तो बस आप X और Y की वैल्यू अलग अलग हिसाब से लगा देना अपने और वो बैलेंस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है C6H6, ठीक, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, CO2 बनी और H2O बनी। रिएक्शन को बैलेंस कर दो जल्दी से, तो आपने कहा सर देखो X की वैल्यू भी 6 ही है और Y की वैल्यू भी 6 ही है, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6/2 यानी कि 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अब? तो यहाँ पर X + Y/4 यानी कि 6 + 6/4, 2 3 6 2 2 4, ये हो गया 12 15/2, यहाँ पर आ जाएगा 15/2, रिएक्शन हो गई बैलेंस। नहीं तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से करते रहते बहुत टाइम लगता। और ये फेमस रिएक्शन आप देख रहे हो, हर मोल के क्वेश्चन में गैसियस हाइड्रोकार्बन को ही बर्न करवा रहा है, तो मोल का प्रिय है गैसियस हाइड्रोकार्बन।
चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर हम समझेंगे क्वेश्चन को। पहले बिगाड़ देते हैं। देखो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि 300 केल्विन और 180 प्रेशर पर 15 ml ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन है आपके पास। ठीक है भाई, ये 15 ml है ना, और इसको चाहिए होती है 375 ml एयर पूरा कंप्लीट जलने के लिए। अच्छा, और एयर में 20% ऑक्सीजन है बाई वॉल्यूम, यानी कि 375 ml जो एयर है उसका 20% उसमें O2 है। तो सबसे पहले तो O2 निकाल लो कितनी है, तो 375 का 20%, तो वैसे तो 10% इसका 37.5 हो गया, तो 20% उसका दुगना हो गया, तो यानी कि 75 हो गया। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी हो जाएगा 75 ml है ना। तो 75 ml यानी कि ऑक्सीजन चाहिए होती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी है, 75 ml, ठीक। और मैंने कितनी एयर ली थी, 375 ml, यानी कि 300 ml एयर वेस्ट हो गई, उसका कोई काम नहीं हुआ, यानी कि वो अभी भी कंटेनर में एज इट इज पड़ी होगी, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, कंबस्शन के बाद, आप ये देखो मैं क्वेश्चन को डीकोड कैसे कर रहा हूं, पूरे क्वेश्चन को एक साथ डीकोड नहीं करना है, लाइन बाय लाइन चलो, जो वो कहता चल रहा है उसको वैसा वैसा करते चलो, ठीक है। फिर वो कह रहा है आफ्टर कंबस्शन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, कंबस्शन के बाद जो टोटल गैस का वॉल्यूम देखा गया वो कितना आया था, 330 ml। अच्छा, कंबस्शन के बाद कौन सी गैस बन रही है, CO2, तो यानी कि वॉल्यूम किसका रहा होगा, CO2 का। लेकिन 300 ml गैस आपकी एज इट इज वापस रही कंटेनर में, तो जब आपने टोटल वॉल्यूम नापा गैसेस का, उसमें 300 ml तो किसका था, जो आप पुरानी गैस लेकर आए थे उसी का, जो अनयूज रह गई थी, है ना, क्योंकि आपने 375 ml ली थी, सही है। तो इसका मतलब, और टोटल वॉल्यूम कितना है, 330, और 300 पहले का है, इसका मतलब जो नई गैस बनी वो कितने ml बनी, 30 ml ओनली, और वो क्या है, CO2। तो CO2 का मास है आपका, सॉरी वॉल्यूम है 30 ml, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझसे पूछा क्या था, Assuming that the water formed is in liquid form, ठीक है, उसने मान लिया है कि water जो बना है वो liquid बना है, इसका मतलब water gas नहीं है, and volume were measured at the same temperature and pressure, बहुत बढ़िया, यानी कि वो आपको कुछ संकेत दे रहा है। क्या आपको एक लॉ याद आया जो हमने पहले पढ़ा था, गे-लुसैक लॉ। ये मुझे कैसे पता चला वो लगना है, क्योंकि उसने लास्ट लाइन जो लिखी है उसको पढ़िए, लास्ट लाइन कहती है द वॉल्यूम वर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां से मुझे पता चल गया कि वो मुझसे कहना चाह रहा है स्टोइकियोमेट्री का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो भी रहा होगा। इसका मतलब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूं ना, तो इसका मतलब मैं दो बार गे-लुसैक लॉ लगा सकता हूँ, कहां कहां पर, चलो पहले हम लगा देते हैं सी एक्स एच वाई और सीओ टू पर, क्यों, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1, यहां पर क्या है x, तो 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू x अपॉन 30, तो ये हो गया 2, x की वैल्यू आ गई 2, सही है। एक बार फिर से लगा दो, तो अब x की वैल्यू तुम्हें 2 पता चल गई, तो मैं x CO2 और y अपॉन 2 इस पे लगा देता हूं, है ना, तो नहीं इस पे नहीं लगा सकते ना, इसका वॉल्यूम नहीं पता, नहीं इस पे नहीं लगा सकते, जिसका वॉल्यूम पता हो उस पर लगाओ, इस पर लगा सकते, तो इस पर लगा देते हैं। x की वैल्यू तो आपको पता चल गई ना, 2, तो 2 प्लस y अपॉन 4 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 30, ये हो गया 15, 15 5 से 75, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5, तो ये हो गया 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 4 5 से 20, y की वैल्यू आ गई 12, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 12, तो फॉर्मूला क्या था, सी एक्स एच वाई, तो ये हो गया सी टू वाई 12, इसको जब सॉल्व करोगे वो आएगा सी एच सिक्स। अब यही वो ट्विस्ट है जो मैं बात कर रहा था,
ये क्वेश्चन जेई ने गलत पूछा था एक्चुअली, इतनी देर से गलत क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे हमको। अरे भाई जेई का क्वेश्चन है, जेई ने गलत पूछा, मैं क्या करूं। हर साल जेई कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गलत पूछ रहा है आजकल, क्योंकि आजकल जेई का पेपर एनटीए वाली टीम बना रही है, पहले जेई के प्रोफेसर बनाते थे। ठीक, एडवांस के पेपर में और मेन के पेपर में आपको अब जो आप पेपर्स देखोगे ना, जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि अब जो मेन के पेपर बन रहे हैं ना, वो एनटीए की टीम बना रही है, यानी कि सीबीएसई के लोग बैठकर बना रहे हैं। वो वही बुड्ढे लोग होते हैं जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनको अब कुछ भी नए क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करता, वो पिछले साल के क्वेश्चन में ही वैल्यू को चेंज करते हैं और नए साल का क्वेश्चन बना देते हैं। इसीलिए अब जेई मेन का लेवल बहुत घटिया हो चुका है, लेकिन जेई एडवांस का लेवल आज भी बरकरार है और उससे ऊपर ही जा रहा है, नीचे कभी नहीं आया आज तक। ठीक है, तो इसीलिए पुराने क्वेश्चन है जब जेई बनाया करता था आईआईटी वाले लोग। ठीक, तो ये क्वेश्चन गलत आया था। क्यों? क्योंकि CH6 हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम क्या हो सकता है CH4। अरे कार्बन की 4 ही वैलेंसी तो रखोगे, कार्बन की 6 वैलेंसी कब से होने लगी? और ऑप्शन में कहीं पर भी CH6 था नहीं और हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो फिर क्या करते? तो एक्चुअली में शायद इसका आंसर C3H6 था, या फिर शायद C4H8 दिया था उन्होंने, फिर बाद में इसको क्लेम किया गया था, तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया था, इसके मार्क्स सबको मिले थे। ठीक है, लेकिन याद रखना आईआईटी में अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है तो उसके मार्क्स बोनस उसी को मिलते हैं जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही है या नहीं, ये आपको तभी पता चलता जब आपको इसको करने का सही मेथड आता था पहली बात तो, फिर आप इसका आंसर निकालते, आंसर आपका आता CH6, आप इतने कॉन्फिडेंट होते कि भाई जो मैंने निकाला है वो सही है, जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन बोनस जाएगा, मैं इसको जरूर अटेम्प्ट कर लूं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें यही है ना, इसमें आपको कहीं पर ना वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, आप इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके देखना, मॉडिफाई करके, और किसी ऑप्शन को लाकर देखना, यानी कि उन्होंने जो वॉल्यूम दिया था ना थोड़ा सा गलत दे रखा था। अगर यहीं पर जैसे ये 330 ml है ना, अगर इस 330 ml की जगह मैं 345 ml कर लूं तो शायद इनमें से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करके देखना, यहां पर 330 की जगह 345 ml रखें। ठीक, और चेक करना क्या कोई आंसर आता है या नहीं, चेक करके देखें। चलो अभी करते हैं, अगर यहां पर मैं 345 कर देता हूं तो इसका मतलब CO2 का वॉल्यूम हो जाएगा 45, तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, 1/15 इज इक्वल टू x अपॉन 45, तो 15 × 3 = 45, x आ जाएगा 3, है ना, इसका मतलब आंसर ये वाला आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक, तो अब आप y की वैल्यू यहां पर लगाकर देखना और चेक करना C3H8 आता है या फिर C3H6 आता है। ठीक है, तो फिर आप 345 ml करके इस क्वेश्चन को लिख लेना, नहीं तो जेई में जो आया था वो 330 ml करके आया था और आंसर गलत आ रहा था इसका, ये क्वेश्चन बोनस हो गया था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दे रहा हूँ जेई के बुक्स में, अगर आप देखोगे तो हो सकता है आपको देखकर लगेगा कि कुछ लोगों ने ना इनको मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चंस को, या फिर इन क्वेश्चंस को हटा ही दिया है कॉपी से, है ना, जो बुक्स है। लेकिन मैंने ओरिजिनल पेपर से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम में घबराना नहीं है, इन क्वेश्चंस को भी टैकल करने की एक टेक्निक होती है। ठीक, और डेट भी मैंने लिख दी है, 2016 मेन में पूछा गया था, आप चाहो तो ओरिजिनल पेपर डाउनलोड कर लो, देख सकते। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 2018 का, करिए इसको सॉल्व, 2018 सॉल्व करिए। एडवांस में भी काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, बट अभी हम उनको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो एडवांस में क्वेश्चन आए थे ना, वो 2 या 3 चैप्टर को मिक्स करके आते हैं मूल के, कभी भी मोल का सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। एक आया था 2022 एडवांस में, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला, वो हम लोगों ने कर लिया था शायद पिछली क्लास में किया था, शायद लेक्चर 11 में, है ना। तो जो इंडिविजुअल क्वेश्चन आए हैं उनको मैं कराऊंगा, जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ क्वेश्चन आए, मोलरिटी नॉर्मेलिटी वगैरह के, वो हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन स्टोइकोमेट्री पर कोई भी सवाल डायरेक्ट नहीं आया, क्यों? क्योंकि रिएक्शन की जरूरत पड़ती है ना, तो रिएक्शन तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शन उठा ली थी और उन पर मोल लगवाया था,
जो 2022 एडवांस में ऐसे पांच क्वेश्चन आए थे, सोचो मोल का वेटेज क्या रहा होगा, पांच क्वेश्चन जेई एडवांस्ड में। यानी कि अगर किसी का मोल छूट गया ना या मोल वीक रह गया, उसको आईआईटी तो गया उसके हाथ से, क्योंकि पांच क्वेश्चन जेई एडवांस में छोड़कर आ रहे हो तो कहां से आईआईटी मिलेगा। तो मोल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और आप देखना आपका मोल जितना स्ट्रांग होगा ना, फिजिकल के 10 चैप्टर आपके उतने स्ट्रांग होंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो रिएक्शन मैंने लिख ली बैलेंस करके, मुझसे कह रहा है रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 6:1। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है ना, ठीक है।
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के मोल्स कितने हैं? तो आपने कहा सर अगर एक मोल कंपाउंड है तो उसमें एक्स मोल है कार्बन के। मैंने पूछा हाइड्रोजन के मोल्स, तो बाई मोल्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कार्बन का मास पूछूं तो क्या बोलोगे? सर मोल्स इंटू मोलर मास होता है, तो 12x हो गया। और मैं आपसे हाइड्रोजन का मास पूछूं तो आप कहोगे सर मोल्स इंटू मोलर मास होता है फिर से, और हाइड्रोजन का मोलर मास है 1 और 1 इंटू वाई दैट इज वाई। तो यानी कि 12x अपॉन वाई ये क्या आ गया? मास का रेशियो जो कि हमें दे रखा है कितना? 6/1। तो यहां से अगर मैं एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी हो जाएगी? 6/12 दैट इज 1:2। यानी कि एक्स रेशियो वाई क्या है? 1:2 है, ठीक। अब ध्यान से देखना एक्स क्या है? सर कार्बन का नंबर है। क्या एटम एक से भी छोटा हो सकता है? अरे कैसे हो सकता है भाई, किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे कम एटम अगर किसी का है तो कितना होगा? एक ही होगा। तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 1:2 नहीं है, ये रेशियो की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली एक्स और वाई की ही वैल्यू रही होगी। अगर सिंपलेस्ट रेशियो में लेना चाहूं क्यों? क्योंकि मुझे इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है, और इंपिरिकल फॉर्मूला में तो होती ही सिंपलेस्ट रेशियो में है वैल्यूज। अगर मुझसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा होता मैं नहीं बता सकता था एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। क्यों? हो सकता है एक्स की वैल्यू 2 रही हो, वाई की वैल्यू 4 रही हो, रेशियो 1:2 आ जाएगा। लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला अगर पूछा है मेरे से तो इंपिरिकल फॉर्मूला में तो वैसे भी सबसे छोटी वैल्यू जो कट कर आ सकती है वही रहती है, और एक्स और वाई का जो रेशियो में देख रहा हूं 1:2, इससे छोटी वैल्यू हो नहीं सकती। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स 1 रहा होगा और वाई 2 रहा होगा। समझ गए? क्या क्या चीज है वो सोचने पर आपको मजबूर करती है जेई, बस आपको ये देखना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये छोटा सा क्रिस्प था, नहीं तो आप भटकते रहते कि सर एक्स और वाई में रेशियो मिल गया है, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल रही है, मैं निकालूं कैसे? तो एक्चुअली में वो जो रेशियो है वही वैल्यू भी है, ठीक है। चलिए इतनी बात हो गई। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अगर एक मॉलिक्यूल एवॉप कंपाउंड का, कौन सा? CXHYOZ जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल उतने ऑक्सीजन रखता है, कंटेन्स हाफ एज मच ऑक्सीजन एज रिक्वायर्ड टू बर्न वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड CXHY। CXHY को जलाने के, एक मॉलिक्यूल को जलाने के लिए जितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ती है CXHYOZ में उसके जस्ट आधे ऑक्सीजन है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं CXHY को जलाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो रिएक्शन लिखी हुई है, आपको पता चला इतने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पर ये तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? तो आपने कहा सर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो X+Y/4 मॉलिक्यूल में X+Y/4 इंटू 2 एटम्स रहे होंगे, है ना, ठीक। तो ये तो एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के, CXHY को जलाने के लिए जो जरूरत पड़े। लेकिन मुझसे क्या कहा गया है कि ऊपर वाले कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है ना वो इसके आधे हैं, और ऊपर वाले कंपाउंड में कितने हैं? सर ऊपर वाले कंपाउंड में तो जेड हैं, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी ऊपर वाले कंपाउंड में जो CXHY को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो दैट इज 2 × X+Y/4। 2 क्यों किया? क्योंकि एटम्स चाहिए ना, X+Y/4 तो मॉलिक्यूल है, इतने एटम चाहिए और उसके आधे हैं जेड, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक। तो इसका मतलब जेड कितना है? X+Y/4। अरे सर 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 आपने अभी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, उसको पुट करके जेड निकाल लो ना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी? ये रही 1 और 2, इसको पुट करते हैं 1+2/4 दैट इज 1+1/2 दैट इज 1+0.5 दैट इज 1.5। तो जेड की वैल्यू भी आ गई? हाँ सर आ गई। तो CXHYOZ में मैं सारी वैल्यू पुट कर दूं तो C1Y2O 1.5 दैट इज 3/2, तो इसको छोटा कर लो तो C2Y4
4O3। ये हो गया आपका फॉर्मूला। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है, C2Y4O3। यस, डी ऑप्शन। तो ये था आपका कंसेप्ट इंपीरिकल फॉर्मूला और स्टोइकियोमेट्री का कंबाइन। आगे चलते हैं, चलिए 2017 का क्वेश्चन करिए। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाना चाहिए। ये एक लल्लू क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करें। सिंपल है, अटेम्प्ट होना चाहिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर मास परसेंटेज में चेक करूं किसी हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के अंदर, तो वो होती है ऑक्सीजन की, दैट इज 61.4%। फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन, सबको जोड़कर देख लेना 100 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है, क्योंकि पता चला कुछ और भी परसेंटेज होती है, आप 100 में से निकाल लो, है ना, तो आ रहा है 100%। फिर कह रहा है वेट विच अ 75 किलोग्राम पर्सन वुड गेन इफ ऑल वन हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा, ये 1H और 2H समझते हो ना, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। तो 1H होता है प्रोटियम, 2H होता है ड्यूटीरियम और 3H होता है ट्रिटियम, है ना, जिसमें से 3H जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। जेई 2019 का सवाल है, क्या पढ़ेंगे हाइड्रोजन चैप्टर में। तो ये 1, 2, 3 क्या है, ये हाइड्रोजन के मास है। तो जनरली जब भी हम हाइड्रोजन बोलते हैं तो उसमें कॉमन सेंस होता है कि हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं और हम 1 मास ले लेते हैं ना, 1 ग्राम। लेकिन उसने बोला है कि अगर मैं हाइड्रोजन को ड्यूटीरियम से रिप्लेस कर दूं तो हाइड्रोजन का मास उसमें क्या लगेगा, ड्यूटीरियम में 2 ग्राम। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट। अब देखते हैं, एक बात समझो, अगर आदमी का वजन 75 किलोग्राम है, ठीक है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने ग्राम होगी। सर कैसी बात कर रहे हो, हाइड्रोजन 10% बना रही है, तो 75 का 10% निकाल लो, कितना आ गया, 7.5 ग्राम। तो इसका मतलब उस 75 किलो के इंसान में 7.5 किलोग्राम हाइड्रोजन रही होगी। इसका मतलब जो हाइड्रोजन द्वारा मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7.5 किलोग्राम। ठीक, अगर मैं हाइड्रोजन के 1H को रिप्लेस कर दूं 2H से, तो 1H के द्वारा आ रहा था मास इतना, और 2H में क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन का मास दुगना हो जा रहा है, तो 2H के द्वारा कितना आएगा। आपने बोला सर 7.5 इंटू 2, दैट इज 2 5 10, 2 7 14 15, 15 किलो आएगा। यानी कि अब आदमी का वजन हाइड्रोजन की वजह से कितना हो जाएगा, 15 किलो, और पहले कितना था, 7.5 किलो, तो बढ़ कितना गया सर, 7.5 किलो और बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन हो गया, बस सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, दिमाग लगाने था बस। ठीक है, और देखते हैं और भी है, हाँ एक और है, 2016 का क्वेश्चन, इसके बाद भी है क्या, नहीं बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का 2016 का, करिए इसको अटेम्प्ट।
चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपके पास कमर्शियल रेजिन है, कुछ होता होगा रेजिन, हमको नहीं पता, ठीक बाद में पढ़ेंगे जब रेजिन को, तब देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। एक कोई कमर्शियल रेजिन नाम की चीज है जो आयंस को एक्सचेंज करने के लिए यूज होती है पानी में, ठीक है, होती होगी, हमें नहीं जानकारी, बाहर में जाए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ना, हम तो उससे बात करते हैं बस, ये रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, बड़े दयालु हैं ये लोग, हमसे निकलवाने की मेहनत नहीं करवाई इनसे। आगे क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम 2+ आयन बाय द रेजिन व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम, ठीक है, कह रहा है ये रेजिन कितने Ca2+ आयन ले लेगी। तो क्या आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, एक मेटल का कंपाउंड होता था और दूसरी मेटल बाहर रखी होती थी, पहली मेटल आकर दूसरी मेटल को कंपाउंड से अलग कर देती थी और अपना कंपाउंड बना लेती थी। सेम यहां पर होगा, C8H7SO3Na है मेरे पास, इसको जब बाहर कैल्शियम मिलेगा तो कैल्शियम कहेगा सुनो सोडियम तुम यहां से जाओ, मैं रेजिन से चिपक जाता हूं, और चूंकि मेरी वैलेंसी 2 है तो मैं दो बार चिपकूंगा, और कैल्शियम बाहर प्लस सोडियम इधर, रिएक्शन को बैलेंस करने की आपको जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक ठीक है, ओके। अब देखो स्टोइकोमेट्री हमसे क्या कह रही है, स्टोइकोमेट्री कह रही है कि 2 मोल इस रेजिन के कंबाइन होकर 1 मोल बनाते हैं कैल्शियम वाली रेजिन का, 2 मोल सोडियम वाली रेजिन कंबाइन होकर 1 मोल बनाती हैं कैल्शियम वाली रेजिन, ठीक है, तो 1 मोल इस रेजिन का कितनी बनाएगी, आपने बोला सर 1/2, जब 2 1 बनाती है तो 1/2 बनाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास कितनी रेजिन है, चलो चेक करते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है मुझे मोल पर ग्राम में बताओ रेजिन के, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप पहले मास ले लो 1 ग्राम और फिर उससे निकाल लो मोल, ठीक है, तो 1 ग्राम और 1 ग्राम रेजिन में कितने मोल्स होंगे, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास दे रखा है, यानी कि इतने मोल्स में आपको निकालना है, तो 1 मोल में आधे लगते हैं इसके, तो 1/2 में कितने लगेंगे, आपने बोला सर 1/2 into 1/2, that is 1/4 mole calcium wali resin, option D, ये हो गया आंसर, 2016 का क्वेश्चन था ये। ऐसे ही लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं एकदम, कुछ है थोड़ी, जेई बड़ा सिंपल सा एग्जाम है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आप घर के लिए ले लो, करके लाना है ना, 2019 मेन का क्वेश्चन है, टाइम हो चुका है, क्लास को खत्म करना है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रसाद के रूप में आपको देते हैं हम, 2019 का क्वेश्चन है ये, 10 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसमें, क्वेश्चन लिखिए एट 300 केल्विन, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एंड 1 ATM प्रेशर। तो जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो क्वेश्चन थे जो वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे स्टोइकोमेट्री से, 2 से 1 बनता है तो 1/2 बनेगा, ये जो बिल्कुल ही एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे वो तो आप खुद कर ही लोगे, तो वो सारे मैंने छोड़ दिए, वो मैं आपको सब फोटो भेज दूंगा, आप लोग कर लेना। तो 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड, 55 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, इस टाइप का जस्ट अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, तो वहां पर तो आंसर गलत आया था,
बट इस वाले में सही आना चाहिए C4H7Cl, ये जेई ने सही क्वेश्चन पूछा था, C4H6, ऑप्शन सी C4H10 और ऑप्शन डी C4H8, C4H6, C4H10, C4H8। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है अटेम्प्ट और आंसर पता लगाना है, ठीक। तो एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन तो आप देखते ही काट दोगे क्योंकि इसमें Cl आया है, ठीक। तो ये बिल्कुल ही घटिया ऑप्शन दिया था जेई ने। अब जब आपकी मेहनत बची केवल 3 ऑप्शन को पता लगाने में,